अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, हम आ चुके हैं जहाँ पे, यहाँ ये देखें पहाड़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़े किया था, ये वो पहाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मक्का में है ये ज़ियारत, जहाँ पे अब्बे जमजम का सबील लगी हुई है वहाँ पे ये ज़ियारत है, और साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, ये वो है वो जगह है। लेकिन ये तीन चार साल से किसी वजह से बंद है, पता नहीं क्यों नहीं ओपन कर रहे। लेकिन यहाँ पे आके आप दुआ करें, दिल खोल के अपने दिल की तमन्नाएं सारी यहाँ पे रो रो के अर्ज करें। तो चले आप भी दुआ मांगे और हम भी आपके साथ दुआ मांगते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिल खोल के दुआ मांगे, यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, अल्लाह के घर से वैसे भी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ पे मक्का पे ये सारी ज़ियारतें हैं, चांद को दो टुकड़े करने वाली पहाड़ी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, और आबे जमजम वो भी एक दफा दिखा दें, वो आबे जमजम की तस्वीर लगी हुई है जहाँ पे हमारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी मुबारक जो है ना मारी थी, तो पानी जारी हुआ था। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो लाजमी जो है ना इस चीज़ की ज्यारत करके जाएं, और रो रख दुआएं मांगे क्योंकि लोगों को नहीं पता होता। उसके बाद इसी के साथ वो देखें, इसी के साथ उधर जाना है थोड़ी सा थोड़ा सा आगे, तो जिन पहाड़ी भी आ जाती है, और जन्नत मुअल्ला जिन पहाड़ी नहीं जिन मस्जिद भी आ जाती है, और जन्नत अल्लाह भी उधर ही आ जाती है। तो ये चीज़ें ज़रूर आप जो है ना यहाँ पे आके ज़ियारतें करके जाएं, और यहाँ पे रो रो के दुआएं अपनी मांग के जाएं, अपनी झोलियाँ फैला के जाएं। वो देने वाला है, वो सबको देता है।